अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे। मिक्स वेजिटेबल हमने आधा किलो लिए हैं। प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ लेंगे 1 मीडियम साइज का। अदरक पिसा हुआ लेंगे 2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप। टमाटर मीडियम साइज के लेंगे 2। इनका छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक काटना है। हरा धनिया कटा हुआ लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। हरी मिर्चें कटी हुई लेंगे 3। मसालों में हमें चाहिए नमक लेंगे 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, करी पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, साबुत जीरा लेंगे 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड लेंगे 1 टीस्पून, करी पत्ते लेंगे 4 से 5। अब हमने मीडियम से आग को थोड़ा सा तेज रखना है। वॉक को हमने गरम कर लेना है। सबसे पहले हमने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, आधा कप या जितना भी आप पसंद करें उतना ही डाल लें। ऑयल को हमने थोड़ा सा गरम कर लेना है। थोड़ी देर वेट करेंगे ऑयल गरम हो जाए। अब हमने इसमें जीरा डाल देना है साबुत 1 टीस्पून, मस्टर्ड सीड डालेंगे 1 टीस्पून। इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस जीरा सीड अब चटकने लगे हैं। अब हमने इसमें करी पत्ते डाल देने हैं, 4 से 5 डाल देंगे। साथ ही हमने प्याज डाल देना है। प्याज हमने 1 लिया है मीडियम साइज का, जिनको हमने छोटे स्लाइसेस में काट लेना है। अब प्याज को हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है। प्याज का हमने कलर नहीं चेंज करना, बस 5 मिनट तक हमने प्याज को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है, 2 या 3, ये आपकी मर्जी है। जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं उतनी ही डाल लें। अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। एक मिनट तक हमने अदरक और हरी मिर्चों को फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट तक। हरी मिर्चें और अदरक को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब हमने इसमें करी पाउडर डाल देना है 2 टीस्पून। साथ ही हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है, 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डालकर करी पाउडर को हमने 2 मिनट तक पकाना है। दो से तीन मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा सा पानी को हमने खुश्क करना है। करी पाउडर और पानी डालकर हमने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। करी पाउडर आप बना बनाया भी ले सकते हैं। करी पाउडर की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, अगर आप देखना पसंद करें तो।
अब हमने इसमें मिक्स सब्जियां डाल देनी है। मिक्स वेजिटेबल मैंने फ्रोजन वाली ली है आधा किलो। सब्जियां आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वही डाल दें। सब्जियों को थोड़ी तेज आग पर ही पकाया जाता है, हल्की आग पर नहीं, मीडियम से आग को हमने तेज रखना है। अब सब्जियों को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहना है 5 मिनट के लिए, ताकि सारी साइडों से सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो जाए। अब हम सब्जियों को 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। सब्जियों को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है तेज आग पर। सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं छोटे छोटे करके। अब हमने इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून। पहले नमक हमने कम ही डालना है, फिर जितनी ज़रूरत हो बाद में अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कर लें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। नमक और मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, जितनी भी आप खाते हो। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स सब्जियों की रेसिपी हम अपनी दो बहनों की फरमाइश पर बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी मिक्स सब्जियां तैयार हो जाती हैं। अगर आप फ्रेश सब्जियां ले रहे हैं तो उनको आप छोटा छोटा काट लें, छोटे साइज में तेज़ आग पर पकाइए, मज़ेदार सब्जियां तैयार हो जाएंगी। मसाले डालकर सारे मिक्स कर दिए हैं। साथ ही हमने टमाटर डाल देने हैं 2, मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनका छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक काट लेना है। टमाटर डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, 1/4 कप के बराबर डाल दें। अगर सख्त हैं तो आधा कप भी पानी डाल सकते हैं। अब हमने इसको ढांप कर 10 मिनट तक पकाना है, 10 से 15 मिनट तक, ये आप देख लें। जब तक आपकी सब्जियां गल जाए तब तक ढांप कर पका लें। सब्जियों को हमने 10 से 15 मिनट तक पकाया है। सब्जियां हमारी गल चुकी हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। घी अलहदा हो गया है और पानी खुश्क हो गया है। अब हमने आंच को बंद कर देना है। इसके ऊपर हमने हरा धनिया डाल देना है। अब हमारी मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।